गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। मुस्लिम समुदाय द्वारा खुले में नमाज अदा करने को लेकर लगातार हिंदू संगठन उनका विरोध करता रहा है। खास तौर पर गुरुग्राम में कई तस्वीरें ऐसे देखने को मिली है जब खुले में नमाज अदा करने को लेकर, जब मुस्लिम समुदाय की जो जगह होती है जहां पर वो खुले में नमाज अदा करते हैं, वहां पर हिंदू संगठन की तरफ से उनका विरोध किया गया था और उस जगह पर उपले डाले गए थे, हनुमान चालीसा भी लगाया गया था जिसका जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कहाँ खुले में नमाज अदा करेंगे, लेकिन एक बड़ी पहल सिख समुदाय की तरफ से उठाई गई है। जी हाँ, सिख समुदाय की तरफ से उन्हें जो गुरुद्वारा होता है वहाँ पर उन्हें जगह दी गई है और यानी कि ये भी कहा गया है कि वो खुले में नमाज अदा कर सकते हैं। यानी कि अब ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय की एक परेशानी थी, जो टेंशन बनी हुई थी, वो ये समझा जा सकता है कि शुक्रवार की जो जुमे की नमाज है वो गुरुद्वारे में अदा कर सकते हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने। रिपोर्ट देखिए। सिख समुदाय गरीबों, असहाय, लाचारों, जरूरतमंदों की हमेशा से ही मदद करता आया है, फिर चाहे वो किसी को छत देना हो या फिर किसी को भोजन देना। सिख समुदाय बिना किसी निस्वार्थ भावना के एक से एक कार्य करता आया है। जैसा कि सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम में खुले में नमाज करने का मुद्दा गरमाया हुआ है। तमाम हिंदू संगठनों का यह कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर खुले में मुसलमान क्यों नमाज अदा करते हैं। ऐसे में अब शांति और भाईचारे की भावना को ऊपर रखकर एक बार फिर सिख समुदाय ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी हर जगह सराहना की जा रही। सिख समुदाय की सभी मुसलमान भाइयों से पेशकश है कि अगर उनको नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिल रही या किसी कारणवश वो खुले में नमाज नहीं अदा कर पा रहे, तो उनको गुरुग्राम के सदर बाजार में गुरुद्वारे में नमाज अदा करने के लिए अनुमति है, जिससे शहर में किसी भी तरह की अशांति ना फैले और शांति बनी रहे। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेके जिस तरीके से हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहा है, तो वहीं आज गुरुद्वारा कमेटी ने जो है नमाज के लिए जो है जगह यहाँ पर दे दी है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अल्ताफ जी। किस तरह देखते हैं गुरुद्वारे ने जो है अब कदम आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से विरोध हो रहा था खुले में नमाज को लेके, क्या कहेंगे? ये पूरे समाज के लिए, कोई एक धर्म के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है कि आपने दिल खोले हैं, दिल में जगह दी है। पिछले 2 महीने से हम सिर्फ नफ़रत की जो आंधी चल रही थी कुछ लोगों के द्वारा, वो मुट्ठी भर लोग हैं, कोई एक समाज से नहीं है, मैं उनको हिंदू समाज के नुमाइंदे भी नहीं मानता हूँ, ये कट्टरवादी लोग हैं। और सिख समुदाय ने जो ये पैगाम दिया है दिल खोल के कि आप आएँ और हमारे यहाँ नमाज़ पढ़ें अगर आपको किसी किस्म की दिक्कत है, ये एक बहुत ही बड़ा पैगाम दिया है और मुसलमान समुदाय भी और बाकी सारे समुदाय इनकी सराहना करता है इस दिल खोलने के जज्बात को देखकर। सर, सराहना करता है तो किस तरह की व्यवस्था गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से की गई है और क्या कुछ आपकी उनसे बातचीत हुई है, तो किस तरीके से नमाज जो है अदा की जाएगी? क्योंकि कल गुरुपुर्ब है तो पूरे मुसलमान समुदाय की तरफ से हम मुबारकबाद देंगे और ये समझते हुए कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पर रहेगी कल, तो हम कम ही लोग आएंगे नमाज अदा करने, लेकिन क्योंकि हमें न्योता दिया गया है तो हम बिल्कुल यहाँ पर आकर कुछ चंद लोग नमाज पढ़ेंगे और जैसे आगे हम जगह रहेगी उसी हिसाब से यहाँ पर नमाज अदा किया करेंगे। जिस तरीके से खुले में नमाज को लेके विरोध चल रहा था, जो लोग विरोध कर रहे थे, तो कितना बड़ा जवाब उन्हें जो है मिला है, जिस तरीके से गुरुद्वारा प्रबंधन ने जो है कदम आगे बढ़ाया है, क्या कहें? हर ज़माने में नफ़रत को मोहब्बत से ही जीता जा सकता है, ये उसी का उदाहरण है। मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहता, मैं किसी को कहूँ कि उनकी हार हुई है, मैं ये भी नहीं कहना चाहता, लेकिन हर दौर में, हर ज़माने में आखिर मोहब्बत की जीत हुई है और नफ़रत हारी है। कहना क्या है, आग में पानी डल गया है। जिस तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने यहाँ जुमा की नमाज अदा कराने का फैसला लिया है, उसका पूरा हिंदुस्तान खैर मकदम कर रहा है कल से ही, तो आज वो उसकी तैयारियाँ हो रही हैं और जैसा भी फैसला होगा गुरुद्वारा की तरफ से वो मान्य होगा, वो करेंगे जैसा भी, हम इस पर बैठेंगे और जो हम इंतज़ाम की जो है कोशिश है, फिर भी जो जैसे भी कोई, चूँकि उनका कल त्यौहार भी है, उसका भी हमें जो है मान सम्मान रखना है, कोई ये थोड़ी कोई जिद नहीं है,
वो जैसा भी जिस तरह के हालात गुरुग्राम में पिछले 2 महीने से पैदा किए जा रहे हैं, वो पूरा पूरा शहर टेंशन में था। लेकिन जिस तरह से खुदा ने इस तरह के लोग खड़े किए हैं, जैसे अक्षय यादव साहब की आप बात कर लें और इसी तरह शेर दिल सिद्धू जी की बात कर लें, तो ये जो हिंदुस्तान की पहचान है और जो शनाख्त है उसके हिसाब से ये सूरत हाल सामने आई है। ये तो गुरु घर है, हम फैसला नहीं लेते, ये तो गुरु घर है। कोई भी इस दर में आएगा उसका निवारण होएगा, इसमें फैसले वाली। ये तो इंसानियत की बात है सर, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो हम बैर किस चीज़ का कर रहे हैं। जिस तरीके से विरोध हो रहा था नमाज को लेके, खुले में नमाज को लेके, तो अब आप लोगों ने क्या फैसला लिया है, क्योंकि कल गुरु पर्व भी है, आप लोगों का भी त्यौहार है, तो किस तरह देख? नहीं, देखो हमारा तो कल प्रकाशपुर है, कल तो जगह भी नहीं होगी नमाज पढ़ने की। देखो कोई विरोध कर रहा है वो उनका अपना निजी मामला है, हमने तो देश में सुख शांति बना के रखनी। मुसलमान भी तो हमारे भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, ये हम ये देश तो साथ चलेगा तभी तो चल सकता देश। जो नमाज अदा करेंगे और मुस्लिम संगठन के लोगों से आपकी क्या बातचीत हुई है, क्या आपने उनको जगह दी है? तो जब आप लोगों ने ये कहा है कि नमाज अदा यहाँ पर कर सकते हैं, तो क्या प्रबंधन उसके लिए की है? नहीं नहीं, वो तो हमारा शुक्रिया अदा करने आया था कि किसने पहल करी है। मैं कहा ये तो सबको पहल करनी चाहिए, तो इंसानियत का तकाजा है। हमने इनको अपने बेसमेंट दिखाया था, मैं कहा अगर आपने करनी हो तो ये हमारी जगह है, आप यहाँ पे आराम से प्रोटोकॉल कोविड का फॉलो करके कर सकते हैं। तो कितने लोगों को अनुमति जो है आपने दी है यहाँ पे, जिस तरीके के से जो नमाज अदा की जाएगी, कितने लोग जो हैं? 15 से 20 में का, 15 से 20 लोग, उन्होंने खुद बोला 15 से 20 लोग ही आएंगे। हाँ जी, तो किस तरह देखते हैं आप इस तरीके का फैसला? आप लोगों ने पहल की है तो क्या मानते हैं आप? नहीं नहीं, इसमें पहल की, ये तो अच्छा, हमने कोई गलत थोड़ी किया। अब किसी ने पूछो कोई गलत काम किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गलत फैसला थोड़ी है। कल को देखो किसी और दूसरी समाज को जरूरत पड़े, वो मना कर रहे, आपको कैसा लगेगा? ये तो फिर गुरु घर है ना।